राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। इसी आशा के साथ करते हैं अपने ब्लॉग की शुरुआत। संजय दीदी की विदाई का समय आ गया है जा रही है ये, छोड़ के आएंगे कन्नू के पापा। और ये इन्होंने अपने कपड़े भी तैयार कर लिए हैं, ये भी रात को वहीं रुकेंगे और जा रहे हैं। ये भी दो जोड़ी कपड़े। ओहो, मैं तो ये सोच रही थी एक दिन के लिए जा रहे हैं, दो दिन के लिए जा रहे हैं आप? और जो मैंने इनका लंच वगैरह सब कुछ रेडी कर दिया है और दे दिया है करने के लिए कि चलो आप लंच कर लेना, और इनके साथ में जो स्टाफ में एक और मेंबर आए हुए हैं उनके लिए भी खाना वाना दे दिया है। नाश्ता कर लिया सबने, कढ़ी चावल रोटी बनाई है मैंने। मीटिंग भेजने की किस तरीके से कौन किसके साथ जाएगा, क्योंकि भाई साहब भी छोड़ के आएंगे स्कूटी पर, बैग वैग रखेंगे। और आरुषि का जो है, आरुषि की विदाई हो गई है, आरुषि चल दिया है, स्कूटी पे बैठ के जाएगी। और देखिए ये संजय दीदी, आप इनके साथ जाओगे? अच्छा अच्छा, आरुषि चल दिया है अपने बड़े मामा के साथ। आराम से और से बड़े वाला तो चली गई है संजय दीदी, आर्यन आ गया, आर्यन भी लेकर के जाएंगे अभी उनको। उनका तो पैकिंग ही हुआ लग रही है अभी अभी तो। कह रहे हैं दो जोड़ी कपड़े रख लूं मैं और फिर चलो। आज बेटी के लिए धन्नो साफ की जा रही है मम्मी ने, आज साफ कर दी वो पानी सी, वो सी पड़ रही ना इस पे, तो इसीलिए बस बस फ्रेंड। और इनको भी यही आदत पड़ेगी बाल बनाने की। अक्षित भी बात तो था यहाँ पे बाल, ये भी यहाँ पे प्लॉट अब है ना, बाइक पे को जाओगे ना जब देखते जाइए प्लॉट। अरे मैंने देखा है मटकी का, अच्छा चल मटकी पड़ी बात ही बता ना, ये 15 से इतना नहीं आ रही बाइक। बहुत स्कूटी पे तो उतर लेंगे, पक्की नहीं होती आगे जा रही है, पापा वाले पे बैठ के सुन राम राम कर रही, पापा के साथ बात कर रही है। वानी बुआ जा रही है, वो जा, मेरा काम शुरू हो गया छोड़ के आने का संजय को बस स्टैंड तक और बस में बैठाने का, क्योंकि जो जूली है वो जाती है ट्रेन से और ये जाती है बस से, क्योंकि पानीपत की जो है ना ट्रेन चलती नहीं है, देहरादून की तो ट्रेन चलती है यहाँ से, तो इसलिए अब बैठे हैं भाई, बातचीत कर लो अभी, फिर फोन पर बातचीत हो रहा है अब जा है ना, अब आपना सामना बैठ कर अभी तो वीडियो कॉल के थ्रू बात हो जाएगी, जैसे वीडियो कॉल के थ्रू बात चलती है ना, एक साथ मल्टी कॉल है सबसे बात कर सके। और वानी का चलती है घूमने के लिए मोटरसाइकिल पे, क्योंकि इसको सुबह सुबह जरूरी है मोटरसाइकिल पे घूमने जाने के लिए, तो अब मोटरसाइकिल पे जाएगी। तो अब सभी बैठे यहाँ से और जाने की तैयारी है, अब चल रहे हैं हम घुमा इसे घुमाने नहीं इसे छोड़ कर आने के लिए, तो जल्दी आएगी अब ये, अब मैं नहीं मैं जाऊँगा उसके पास में भैया दोस्त पे, ये नहीं आएगी तो मुझे जाना है, ये तो आ चुकी है इन्हें तो बस, इन्हें तो बस से छोड़ करते हैं, और जो ट्रेन से छोड़ करते हैं, और मंजू को अपना आप चली जाओ, तीन बुआ है इसके, तीनों की तीनों बुआ का, इन्हें बता दिया जाने का रूटीन कैसा है, ठीक है। लेकिन मंजू बुआ का 10 मिनट का रास्ता है, वो तो अपना आप चली जा, अपना आप लेगा, लेकिन 10-15 मिनट लग जाए, फिर भी 7 किलोमीटर लगभग यहाँ से पड़ता है हमारे यहाँ से नावला, 7 किलोमीटर पड़ता है नावला, तो वहाँ चली जाती है, अपना भी चली जाती है किसी की मोटरसाइकिल पकड़ के, आप भैया छोड़ गए मुझे। बाय। तो संजय दीदी के जाने के बाद में सारा काम निपटा लिया, झाड़ू पोछा, बस कपड़े रह गए, कपड़े हम शाम को धोएंगे क्योंकि टंकी भी नहीं आई है अभी, कभी फिर पानी खत्म हो जाए, पूजा पाठ भी कर ली है, और इधर चल रही है फिर से जागरण की वीडियो, सारे के सारे बैठे हुए हैं बेड पे और जागरण की वीडियो देख रहे हैं, और वाणी का भी वहाँ पर बैठी हुई है, ये देखो ना श्री वाणी का तो बहुत ज़्यादा, ये देखिए किस तरीके, अक्षित चला भाई चला, बनाना खाया जा रहा। तो शाम का काम निमट गया है
और शाम के टाइम है ना, बस यही होता है झाड़ू लगाना, सिंगवाना, और पोछा तो हम सुबह ही लगा देते हैं। तो अभी हम चल दिए हैं अभिषेक मम्मी को देखने के लिए, उनके पैर में घुटने में चोट लग गई तो उनको देखने के लिए जा रहे हैं। मैं और मम्मी तो सुबह देखे आई थी, तो यहाँ पे आए थे और पैर में वाक में बहुत ज़्यादा चोट लगी है और जान बच गई, बहुत ज़्यादा बहुत जोर से पैर फिसला था इनका। तो बताओ कैसे पैर फिसला था आपका? बस पास में से निकल गई थी, पैर उल्टी गई है मेरे, बस मुझे नहीं पता लगा कैसे पैर फिसला। पानी वानी गिर रहा हो वहाँ? हाँ नहीं पानी था वहाँ पे, मेरे पैर ही गिले होते हैं, बाद में साफ किया था ना मैंने। अच्छा, तो ये कह रहे थे कि अगर सर में लगती चोट तो ज्यादा चोट लग जाती, और माता रानी ने जान बचा दी। वाकई में माता रानी की पूजा में इस बार यही बैठी हुई थी और इन पे पूरा आशीर्वाद बनाए रखा माता रानी ने, तो भगवान के आशीर्वाद से आज ठीक ठाक हो गई। ये कह रही थी कि मतलब काफी देर में तो मतलब एक बार आंख भी खुली ना तो तारे टिमटिम मारे थे हल्के हल्के से, और जब सरक सरक के फिर उठने किचन में गई है, किचन में जाने के बाद में पानी वानी पिया, फिर सरकते हुए मतलब उठा नहीं गया बिल्कुल, पैर में इतनी चोट है बहुत ही ज्यादा। गर्म पट्टी बांध रखी है और सूजन पूरे पैर पे है, बहुत चोट है, बहुत ही ज्यादा चोट। और क्या कह दे इनके मामले में बहुत ज्यादा दवाई लेने के बाद भी बहुत ज्यादा दर्द है। और वाणी का जो है मेरे पीछे पीछे आ गया है, मना कर रही थी मेरे पास आने के लिए, मना कर रही थी, मैंने कहा अभी शहर के घर चल रही मैं चला गया तू, तो उन्होंने कह रही ना मैं नहीं जा रही, और फिर आगे देखो आज इसके बालों का कटिंग कराया, देखियो कैसा लग रहा। भाई भाई का भी कटवाए बाल, भाई के भी कटवाए, और ये इनके कान्हा जी। दर्शन करने हम तो चोरी से मैया तेरे, दर्शन करने हम तो आए चोरी से, बाहर का ताला लगा हुआ था हम तो आए मोरी से, बाहर का ताला लगा हुआ था हम तो आए मोरी से, साड़ी तो मैं लेके आई चुनरी लाई चोरी से, साड़ी तो मैं लेके आई चुनरी लाई चोरी से, जब मेरी मैया पहन के निकली झिलमिल झिलमिल होरी से, जब मेरी मैया पहन के निकली झिलमिल झिलमिल हो रही से, करने हम तो चोरी से मैया तेरे। हमारा व्लॉग काफी दिनों से इसलिए नहीं आ रहा था, दो दिन से इसलिए नहीं आया क्योंकि हमारे यहाँ पे नेट की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रही है, तो इसी वजह से। चिंकी और गुड्डू के बर्थडे में भी इसलिए नहीं जा पाए क्योंकि वहाँ पे है ना कन्नू के पापा के स्टाफ से कुछ लोग आए हुए हैं लखनऊ से, और वे वहाँ पे रुके हुए हैं दो दिन से और आ भी नहीं रहे हैं, शाम को अगर आते भी है तो काफ़ी लेट हो जाते हैं, 9-10 बज जाते हैं, तो इसीलिए हम नहीं जा पाए। नहीं तो हमें भी बुलाया गया था वहाँ पे, बिल्कुल इनवाइट किया गया था, काफ़ी बार फ़ोन आया वहाँ से, लेकिन फिर भी नहीं जा पाए। तो इसी के साथ में कर देते हैं अपने व्लॉग का यहीं पर एंड, और मिलते हैं आपको अपने अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अगर हमारा व्लॉग आपको अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, धन्यवाद। चंपा।